दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो 3D फोम जो वॉल स्टिकर होता है तो वो कैसा होता है। और जी हाँ दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब का जो सेटअप है, ठीक है, वो हम अभी चेंज करने वाला है, क्योंकि जो मेरा पहले वाला सेटअप था वो एक साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इसमें आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अभी क्या है जो दोस्तों, हमने अमेजन से 3D फोम जो मतलब जो वॉल स्टिकर होता है, ठीक है, वो मैंने परचेस किया। और आप लोग देख सकते हो, ये जो इतना बड़ा वाला एक पैकेट मैंने ऑनलाइन से लाया। और दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अनबॉक्सिंग में ये सब नहीं आता है, ठीक है, फिर भी मुझसे जितना होता है वही आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो मैंने ये जो 3D जो वॉल स्टिकर है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने टोटल 6 लाया, ठीक है, और इसका टोटल कॉस्ट आया है 1149, मतलब 1150 ऐसा। तो आप लोग देख सकते हो, एक निकाल लेते हो पहले, तो आप लोग देख सकते हो इसका जो मतलब जो क्वालिटी है, मैंने पहले एक बार देख चुका है उसको, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी मुझे लगा। और इसका साइज हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये जो जितना साइज है टोटल यहाँ पे एक साइज, ठीक है, एक आएगा, मतलब एक से आप कितना इतना तक कवर हो जाएगा आपका, मतलब आप लोग देख सकते हो इसका जो साइज है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब ये मैंने टोटल 6 लाया, तो 6 के हिसाब से मेरा ये जो जगह है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो साइड में जो कैमरा थोड़ा सामने लाओ, इसका जो मतलब थिकनेस जो है, ठीक है, वो मतलब आधा इंच जो बताया है वो बराबर है, ठीक है। और इसको आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही यहाँ पे सिंपल सा एक स्टिकर ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वाला एक स्ट्रॉन्ग ग्लू है, ठीक है, तो इसको बस चिपकाना है वॉल में। तो अभी हम एक एक करके चिपकाएंगे, आप लोग देख सकते हो। और इसका टोटल लुक्स कैसा आता है पूरा कंप्लीट होने के बाद, हम आपको एक सिनेमेटिक व्यू आपको दिखा देंगे कि इसका क्या होता है। पर इसका जो साइज है ना, एकदम जितना बताया वैसे ही साइज आया है। और शायद मेरे हिसाब से 6 मैंने लाया, तो 6 से ये हो जाएगा, देखते हैं होता है कि नहीं। और दोस्तों, एक बात आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चाहते हो यहाँ पे काटिंग कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रिक्स का जो साइजेस है, तो इसमें आप काटिंग करके थोड़ा पीसेस वीसेस कर सकते हो। तो और दोस्तों, एक बात कहना चाहते हो कि उन्होंने बताया कि मतलब ये वाटर प्रूफ है, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट है। तो दोस्तों, असल में है कि नहीं, तो थोड़ा इसमें पानी डाल के देख लेते कि कोई असर पड़ता है कि नहीं। तो एक के ऊपर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, मतलब कैमरा को थोड़ा सामने लाओ। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर मतलब पानी नहीं जा रहे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पानी जितना है। तो इसको थोड़ा हम पोंछ देते हैं, पूरा हम लगाते हैं इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें हाँ, अगर आपका थोड़ा पानी वानी भी लग जाए इसमें, आप इसको पोंछ कर ऐसे ठीक कर सकते हो, और थोड़ा डाल के देखता हूँ। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पानी नहीं जाता, ये ऊपर ही रह जाता है। अगर ये मतलब वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता तो इसमें अंदर में पानी चल जाता, ये टोटल ख़राब हो जाता। तो आप लोग देख सकते हो, पानी जैसे कि जैसे मैं टेबल में दे देता हूँ पानी, ये देखो सारे के सारे पानी यहाँ पे निकल गया, ठीक है दोस्तों। हालांकि आपका ज़रूरत नहीं है इसमें पानी देने का, फिर भी मैंने ट्राई किया कि असल में है कि वाटर प्रूफ है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पूरा के पारा पानी निकल गया है, मतलब गीला भी नहीं हुआ। पर पीछे वाला जो यहाँ पर लगने से ये वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टिकर कागज़ दिया हुआ है, पर सामने वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पानी लगने से कुछ नहीं होगा। अभी इसको लगाएंगे, देखेंगे क्या है। और आप साइज का अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, मतलब ये इसका आएगा मतलब 2.5 मीटर, 2.5 फुट के आसपास आ जाएगा, ठीक है, इसका टोटल। तो उन्होंने क्या बताया, 70x72x कितना साइज था मुझे वो मालूम नहीं अभी, तो अभी देखते हैं कितने में ये आता है टोटल, ओके। तो दोस्तों, अभी देख सकते हो आप लोग, हम एक तरीके का मतलब एक साइड से स्टिकर निकाल दिया, ठीक है। तो अभी हम इसको सीधा रख के, और ये जो मतलब यहाँ पे मेजरमेंट जो है इसको यहाँ पे दूर लग जाएगा शायद, तो एकदम सिंपल सा फिटिंग। लग गया, ओके।
एक तो निकाल दिया, ये यहाँ पे गलती कर दिया, ऐसा गलती नहीं करना। यहाँ पे आपका अगर कागज़ रह जाएगा तो ग्लू सही ढंग से नहीं फिट होगा। ये ग्लू बहुत स्ट्रांग है भाई, हाथ में लगे लग रहे तो। चलो एक साइड तो मैंने निकाल दिया, बस आपको ऐसे करके और ऐसे, अगर चाहते एक दो मुक्का भी मार सकते हो। चलो एक लगा। तो दोस्तों ये टोटल मैंने यहाँ पे फिटिंग कर दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ है, मतलब ये जो 3D फोम स्टिकर है, बहुत ही अच्छा वाला है। और यहाँ पे मुझे लगा है टोटल, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा आसपास दिखा दो, मतलब ये जो जितना एरिया मैंने कवर किया है, ठीक है, तो टोटल मुझे 6 पीस लगा है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ से ये जो मतलब है ये बचा हुआ है, बाकी सारे के सारे मैंने मेरे कैमरा एंगल के हिसाब से लगा दिया। अगर आप चाहते हो तो आप भी ये फोम स्टिकर ला सकते हो, बहुत ही अच्छा। और इसका जो ग्लू का जो क्वालिटी है, बहुत ही मतलब बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी आता है इसमें। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसका प्रेस करने में बिल्कुल ना भूले। और अगर इस रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।